किया है, इसलिए आज नवयुवक सेना की पूरी टीम चंदवारी चौक और भी जगहों पर प्रदर्शन करते हुए आज पूर्ण रूप से मोतिहारी सर का चक्का जाम करने का काम किया है और यह मांग किया इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां बिहार नवयुवक सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बेतिया पुलिस अधीक्षक और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का काफिला कई घंटों तक जाम में फंसा रहा। बता दें कि शंकर सरैया में बीते 7 दिनों पहले अपराधियों ने कारोबारी सुबोध पांडे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उसी को लेकर आज नवयुवक सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कहा कि हत्यारों की 7 दिन बीतने के बाद भी आज तक पुलिस बेखौफ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शहर के चांदमारी चौक पर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसका नेतृत्व नगर अध्यक्ष लड्डू सिंह और राजू पांडे ने किया। अब यह देखना होगा कि इन बेखौफ अपराधियों को पुलिस कब तक अपने गिरफ्त में लेती है या नहीं, अब तो आने वाला समय ही बताएगा। पिछले 11 तारीख को शंकर सरैया में जो सुबोध पांडे जी का हत्या हुआ था और वह निर्मम हत्या हुई थी और तब तक उनको गोली मारी गई थी जब तक वो मरे नहीं, और आज तक 7 दिन बीतने के बाद भी जिला प्रशासन एकदम उदासीन रवैया अपना रही है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार उसने नहीं किया है, इसलिए आज नवयुवक सेना की पूरी टीम चंदवारी चौक और भी जगहों पर प्रदर्शन करते हुए आज पूर्ण रूप से मोतिहारी सर का चक्का जाम करने का काम किया है और यह मांग किया कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन एक टीम गठित करे और तेजी से छापामारी करे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का काम करे, नहीं तो मोतिहारी के जितने भी प्रखंड है पूरे प्रखंड में इस मुद्दा को लेकर नवयुवक सेना प्रदर्शन और आंदोलन करने का काम करेगी। ऐसा सीधा।